दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये वो फेस पैक है जिसे मैं 15 दिनों से अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए थे, आप सभी को पता है, मैंने कई वीडियो में ये बात कही भी है। तो मैं पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया पर जो रिजल्ट मिलता था ना मुझे संतुष्ट नहीं करता था। तो मैंने फाइनली ये DIY फेस पैक बनाया और इसको 15 दिन लगातार इस्तेमाल किया और आप देख सकते हो रिजल्ट, मेरे फेस के जो पिंपल्स थे वो खत्म हो चुके हैं। हाँ, हल्के से दाग धब्बे रह गए हैं, वो धीरे धीरे चले जाएंगे क्योंकि जब पिंपल्स होते हैं हमें पता है कि पिंपल्स को हाथ नहीं लगाना है फिर, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हम लोग हाथ लगा देते हैं और उसके बाद ये दाग धब्बे रह जाते हैं। लेकिन परेशान ना हो, ये दाग धब्बे भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन पिंपल्स मेरे फेस से रिमूव हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा पिंपल से परेशान हो, एक्ने से परेशान हो, और हाँ, इस गर्मी में जो छोटी 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 सी पूरी फेस पे घमोरियाँ हो जाती है ना, जिससे खासकर टीनेजर परेशान है, तो ये वाला फेस पैक उनकी बहुत मदद करने वाला है। ये मेरी 100% गारंटी है क्योंकि मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया और मैं इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है और आप मेरे फेस का आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फर्क आप लोग को नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको फेस पैक कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, इसका मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये फेस पैक बनाते हैं। तो नीम फेस पैक बनाने के लिए मैंने लिया है नीम पाउडर, आप चाहो तो पत्तियों को सुखाकर नीम पाउडर बना सकते हो, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। दोस्तों, नीम जो होता है, जो हमारे फेस का एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको सूख लेता है और कील और मुहासों को दूर करता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और जो मुहासे होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। दूसरी चीज़ मैं मिला रही हूँ उसमें हल्दी, आप सभी जानते हो हल्दी भी एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आती है और सदियों से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। तो मैंने इसमें आधी चम्मच से कम हल्दी मिलाई है। दोस्तों, अब मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, खासकर मुहासों को दूर करने के लिए। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन रिलेटिव सभी प्रॉब्लम को दूर करता है। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों, इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास गुलाब जल नहीं था तो मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और बिल्कुल पेस्ट बनाएंगे जैसा हमारा फेस पैक होता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। दोस्तों, हमारा नीम फेस पैक बिल्कुल तैयार है, मैं इसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रखूँगी। वैसे तो ये बाहर नहीं ख़राब होने वाला, पर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि मैं जब भी ये फेस पैक लगाऊँ तो मुझे ठंडक का एहसास हो हमारी स्किन के लिए। वैसे भी नीम की तासीर ठंडी होती है और इस गर्मियों में फेस को अगर ठंडक मिलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, मस्त वाला फेस पैक बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल हिमालय का फेस पैक लग रहा है कि नहीं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ये उसी की तरह इफ़ेक्टिव भी है क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ों से बनके तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसे आप फेस पे अप्लाई करते हैं। देख सकते हो 15 दिन पहले मेरे फेस की हालत, कितने गंदे से पिम्पल्स निकले थे, ये बड़े अजीब से गर्मी वाले पिम्पल्स थे। तो चलिए इसका इलाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे आइस क्यूब से अपने फेस की मसाज। आइस क्यूब से फेस की मसाज करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि हमारे जो पिंपल्स होते हैं वो सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं और हमारे जो पिंपल्स का दर्द होता है वो कम हो जाता है। हम हल्के हाथों से अपने चेहरे को पोंछेंगे ताकि हमारे फेस की जो नमी है वो बनी रहे। अब मैं इस फेस पैक को पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद हम ठंडे पानी से यानी नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। दोस्तों, किसी भी फेस पैक को लगाने का समय होता है सबसे सही रात का टाइम। रात के टाइम में हम सो जाते हैं पर हमारी कोशिकाएं वर्क करती हैं, हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करती हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर दें अपने फेस से, तो आपको रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना होगा रात के टाइम, अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं। आपने देख लिया इसे कैसे बनाना है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों, आप चाहो तो एक ट्रिक और है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं रोज़ फेस पैक लगाती थी पर लास्ट में थोड़ी सी आलसी हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे और भी ज़्यादा संतुष्ट किया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ये फेस पैक लेना है और जहाँ पर भी आपके पिम्पल्स हैं उस पर इस तरह लगा लेना है, ठीक है। ये
फेस पैक लगा के तुरंत धुलने से ज़्यादा इफेक्टिव है और पूरे रात के लिए आपको यूं ही छोड़ देना है। मैं अब ऐसा ही करती हूँ क्योंकि जो मेरे पिंपल्स हैं जब ख़त्म हो गए और थोड़े थोड़े पिंपल्स रह गए, उसके दाग धब्बे रह गए, तो मैं इस तरह इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं इसे रोज़ाना रात में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इस तरह भी इस फेस पैक को लगा सकते हो। दोस्तों, आप हिमालय का फेस पैक आपने यूज किया होगा, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मेरे भाई के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे क्योंकि उसे चेचक आ गई थी, उसके बाद दाग धब्बे और पिंपल्स बहुत ज़्यादा फेस पे। तो उसने काफ़ी दिनों तक उसका इस्तेमाल किया, उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसने लगातार 3 से 4 महीने लगाए। लेकिन ये वाला फेस पैक आपको 15 दिन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, इस तरह आप फेस पैक अप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़ी सी फनी लग रही हूँ पर कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तो इतना चलता है। तो दोस्तों, इस तरह भी आप फेस पैक अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको जरूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और पकड़ में लगी घंटी बजा देना, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।